कवर करेंगे एट क्लास का चैप्टर थर्ड कोल एंड पेट्रोलियम पहले सिंथेटिक फाइबर चैप्टर थर्ड हुआ करता था बट नाउ सीबीएसई ने और पूरा चेंज कर दिया है सो कोल एंड पेट्रोलियम जो है उसके क्वेश्चन आंसर इस पूरी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन है वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सी एन जी एंड एल पी जी एज फ्यूअल सो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम सी एन जी यूज करते हैं दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एल पी जी यूज करते हैं दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सी एन जी एंड एल पी जी एस फ्यूल्स आर एज फॉलो यानी कि जो उसके एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं सबसे पहले है सी एन जी एंड एल पी जी बर्न ईजिली विदाउट लीविंग अनबर्न कार्बन देखिए सी एन जी एंड एल पी जी ना क्लीन फ्यूल्स हैं तो वो जब क्लीन फ्यूल होते हैं तो वो ना जब बर्न होते हैं तो जो अनबर्न चीजें होते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बहुत कम छोड़ते हैं एंड दे ईजिली बर्न लाइक आपने कभी देखा होगा गैस जलाते हो आप एक मिनट में जल जाती है तो वो बहुत ही ईजिली बर्न होता है दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज एंड अगर हम बात करें सी एन जी एन एल पी जी की तो वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब आप उसको बर्न करते हो ठीक है सी एन जी एंड एल पी जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली थ्रू पाइपलाइंस बिकॉज दे आर वेरी इजी टू ट्रांसफर अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पाइपलाइंस के थ्रू बहुत आराम से इसको ट्रांसफर करा जा सकता है ठीक है उसके बाद है सी एन जी एंड एल पी जी आर क्लीन फ्यूज एज दे डो नॉट रिलीज स्मोक वेन बर्न अगर आप पोल बर्न करोगे <coughs> और सी एन जी एल पी जी को बर्न करोगे सॉरी <coughs> तो आपका सी और एलपीजी आराम से बर्न होगा और स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा बट उसके बदले में अगर आपने वोड या कोक कोल को यू नो बर्न किया तो बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे एंड ऑब्वियसली वो ढंग से बर्न भी नहीं होगा ठीक है देन कम्स सेकेंड क्वेश्चन नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए यूज होता है दैट इज बिटोमिन ठीक है वन वर्ड आंसर है ज़्यादा इस इसमें कॉम्प्लीकेटेड कुछ है नहीं अर्लियर इस्टूज टू बी कोल टार बट नाउ दे यूज बिटूमिन डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन वॉट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड बिफोर एक्सप्लेनिंग द होल कंसेप्ट आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने पढ़ा है चार पार्ट में ये चैप्टर कवर करा है तो वो प्रोसेस जिससे कोल कन्वर्ट होता है या फिर सॉरी uh, कोल बनता है डेड वेजिटेशन से उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट कार्बोनाइजेशन क्या बोलते हैं कार्बोनाइजेशन डेंस फॉरेस्ट गॉट बरेड अंडर दू टू ने वो यू you नो know, दब जाते हैं बहुत सारे natural processes की से. और ये चीज अभी एक दो साल पहले की नहीं बहुत साल पहले की है मिलियंस ऑफ इयर अगू मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपोजिटेड ओवर इफ देर इज डेंस फॉरेस्ट ठीक है ये डेंस फॉरेस्ट है इसके ऊपर बहुत ये दब गए गॉट बरेड ठीक है इसके ऊपर बहुत सारी सॉइल इकट्ठी हो गई दू द होल लेयर ऑफ सॉइल गॉट अक्यूमिलेटेड और उसके बाद क्या हुआ ज़्यादा कंप्रेशन हुआ यानी कि ये जो डेंस फॉरेस्ट है ये दबने लग गए जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनके ऊपर लगने लग गया एंड धीरे धीरे दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इन टू कोल ये किसमें कन्वर्ट होने शुरू हो गए कोल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गए अंडर एक्सट्रीम कंडीशन दिस होल of ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज नोन एज कार्बोनाइजेशन तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कोल बनता है किससे डेड वेजिटेशन से इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस ठीक है क्या बोलते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस देन कम्स फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हमें uh, fill up करने हैं सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल्स ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारे हैं बट इस चैप्टर के हिसाब से चलें तो हमने पढ़ा है कोल पेट्रोलियम एंड देन नेचुरल गैस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम यानी कि जब हम पेट्रोलियम से उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यू नो सेपरेट करते हैं बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इट इज कॉल्ड रिफाइनिंग अदरवाइज अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली फ्रैक्शनल ठीक है एंड देन लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल आपको भी पता है सबसे कम जो सबसे आराम से बर्न हो विदाउट लीविंग एनी स्मोक एंड दैट वुड बी सी एनजी कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी अगर इतना आसान होता तो फॉसिल फ्यूल्स इतने महंगे नहीं होते और हमें बड़े आराम से मिल जाते सो ऑब्वियसली फॉल्स देन सी एनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल अगेन इट इज फॉल्स अभी पड़ के चुके हैं सी एन जी बहुत क्लीनर फ्यूल है एंड ऑब्वियसली लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज ट्रू दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोक वो एकदम प्योर फॉर्म होती है कार्बन की कोल्ड टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सेंसेज कोल्ड टार में बहुत सारी चीजें होती है अराउंड टू हंड्रेड प्लस सब्सटेंसेज उसके अंदर होते हैं कैरेसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है फॉल्स बिकॉज कैरेसिन कहाँ से मिल रहा है कैरोसिन वी आर गेटिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम पेट्रोलियम से अगर हमें मिल रहा है तो पेट्रोलियम क्या है एक फॉसिल फ्यूल है तो वो भी तो अपने आप में एक फॉसिल फ्यूल हुआ अब अपने आप कैरासिन नहीं बना सकते हो राइट एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स देखो इसके साथ पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ फिर आपको आंसर तो मिल ही जाएगा जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है फॉसिल फ्यूल का इसको बहुत सारे साल लगते हैं इट टेक्स एंड रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ इस डेड वेजिटेशन एंड एनिमल जो भी बरेड होते हैं डीप इन साइड द अर्थ उनको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए जो आप लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हो इसीलिए फॉसिल्स लिमिटेड है एंड जो फॉसिल फ्यूल का यूज है एक रैपिड रेट पे उसकी वजह से इट विलीड टू देयर एग्जॉशन यानी कि अगर फॉसिल फ्यूल का आपने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे ओके ये समझ में आया देन कम्स डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आपको सबसे पहले याद होगा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो फॉर्म हो जाता है ठीक है ना कोक इज टफ एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोक टफ होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक इज पोरस कोक क्या होता है पोरस होता है यानी कि उसके अंदर हमने पढ़ा भी था जैसे सपोज कोई भी चीज पोरस होती है सो दे हैव दिस पोसिटी या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें होल्स होते हैं छोटे 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 से होल्स अच्छा सॉरी ये तो मैंने इनकम्प्लीट किया कोल टार देन कोक इज ब्लैक इन कलर ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और तो आप उसका यूजिक यूज uh, कहां पर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज होता है एक और लिख सकते हो मेटलर्जी में यूज होता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेटल एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम देअर ओर दिस कोक इज यूज नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम सी द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज ऑलमोस्ट सेम लेकिन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जब ट्रीज uh, एंड ये सब चीजें बरेड होती हैं तब आपका क्या बनता है कोल बट अगर हम बात करें मरीन ऑर्गेनिजम्स की जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो सी के अंदर ही बरेड हो जाते हैं सी के अंदर ही उसके ऊपर सैंड की लेयर बनती रहती है बनती रहती है तो वो क्या होता है ना सैंड एंड क्ले बनाता है या फिर उसके ऊपर जो कवर पूरी लेयर सॉइल की होने लग जाती है सॉइल भी लिख सकते हैं यहाँ पे तो ड्यू टू लैक ऑफ एयर यानी हवा की कमी एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये याद रखना कहीं लो टेम्परेचर और लो प्रेशर कर दें हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा कंप्रेशन की वजह से हाई प्रेशर होता है कोई भी चीज जो डेड ऑर्गेनिजम्स है दे स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इन टू पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस पेट्रोलियम नीचे मिलता है बिकॉज इट इज़ अ ऑयल काइंड ऑफ टेक्स्चर एंड नैचुरल गैस इसके ऊपर मिलता है अच्छा अब आप सोचते होंगे कि अगर ऐसा है तो कुछ बीच की जो कंट्रीज हैं ठीक है गल्फ हम जो बोलते हैं वहाँ पर इतना ऑयल कैसे है वहाँ पर तो पूरा गर्मी गर्मी है मिट्टी मिट्टी है बिकॉज एक टाइम पे वहाँ पर सी हुआ करता था विच गॉट बर इड द मेनिन ऑर्गैनिज्म गॉट बर इड एंड इसकी वजह से फाइनली ये पेट्रोलियम हमारे बनने लग गए